आज अप्रैल महीने की 10वीं तारीख है। आज से एक महीना पहले हमने इसी जगह पर एक स्टोरी की थी जब मुगल शाहरा पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे बर्फ हटाने का काम स्टार्ट किया गया है आज एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। हम अभी मौजूद है मुगल शाहरा पे, जो कि एक वाहिद मुतबादिल है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का, लेकिन अभी तक इस शाहरा को ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया। आपको एक टाइमलाइन दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक सीजनल रूट क्यों बना है, ये एक ऑल वेदर रूट क्यों नहीं बन सकता, किन चीज़ों का इसमें लाहे अमल होना चाहिए। जी हाँ सामीन मोहतरम, आपका खैर मकदम है कश्मीर प्रिज्म में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल की पहली बर्फबारी 23 अक्टूबर 2021 को हुई थी। वादी बर के साथ साथ ज़िला शोपियान और ज़िला कुलगाम में भी इस बर्फबारी के असरात दिखाई दिए, बहुत सारी मेवा बागात को नुकसान पहुंचा। इसी बर्फबारी के पस मंज़र में मुगल शाहरा को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि R&B डिपार्टमेंट की काविशों की वजह से 26 अक्टूबर यानी 3 दिन बाद मुगल रोड को फिर से खोल दिया गया ट्रैफिक के लिए। इसके बाद 23 दिसंबर 2021 को वादी भर में फिर से भारी बर्फबारी हुई, जिसके पस मंज़र में मुगल शाहरा के साथ साथ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इसी बीच ये खबर भी सामने आई कि मुगल रोड पे जो टनल का वादा किया गया था गवर्नमेंट की जानिब से कि एक टनल बनाया जाएगा जिससे मसाफत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट शोपियान और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के दरमियान, उसके बारे में खबरें ज़्यादा आने लगी। लेकिन फरवरी आने के साथ साथ ये खबरें गर्दिश करने लगी कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर या कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है मुगल रोड की टनल के हवाले से। आज से बिल्कुल एक महीना पहले यानी 10 मार्च 2022 को मुगल रोड से बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया गया R&B डिपार्टमेंट शोपियान की जानिब से। इसमें हमेशा बंद रहता है मुगल रोड, क्योंकि काफ़ी बर्फबारी होती है, तो हर साल इसको मार्च के महीने में हम काम रीओपनिंग का काम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला काम ये होता है कि स्नो क्लियरिंग, जो कि आज 10th of March आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट की काविशों से सबल हो। क्लियरेंस का जो ये है, ये डिपेंड करता है कि आगे बर्फ़ कितनी हो। हमारी कोशिश ये होगी कि जितना भी जल्दी हो सके इसको हम क्लियर कर पाए। आज से हमने काम स्टार्ट किया है, लगता है कि अप्रैल तक हम इसको क्लियर कर लें। हालांकि कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान के ऑफिशियल हैंडल से ही खबर आई थी कि पीर की गली तक बर्फ को पूरी तरह से हटाया गया है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं है। इस टाइमलाइन से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि जब भारी बर्फबारी होती है तो बहुत सारी रुकावटें दरपेश आती है R&B डिपार्टमेंट को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुगल रोड खोलने में। अंदेशा लगाया जा रहा था कि 10 अप्रैल तक मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन जहां तक ज़राया से हमें इतला मौसूल हुई है तो उनके मुताबिक 20 अप्रैल से पहले पहले मुगल रोड को नहीं खोला जाएगा ट्रैफिक के लिए। ये देखने वाली बात होगी कि ट्रैफिक को कब खोला जाएगा मुगल रोड पर, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि जो मुगल रोड का टनल है उसके लिए कब काम शुरू होता है और कब अप्रूवल मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं मुगल रोड पर, उन्होंने अपनी तिजारत के हब डाल रखे हैं मुगल रोड के किनारों पर, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी अगर मुगल रोड पर टनल की कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल मिल जाता है। जैसा कि आपने देखा कि किन वजूहात के पस मंज़र में मुगल रोड को बंद रखा गया है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, R&B डिपार्टमेंट के कुछ अहदेदारान से हमने बात की, उन्होंने बताया है कि मुगल रोड में जगह है जिसका नाम है मानसर, जहाँ पर बहुत बर्फ़ जमी हुई है जिसकी वजह से मुगल रोड को नहीं खोला गया है। हम भी गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि जो ताजिर बरादरी है उन्होंने अपनी दुकानों को या तो रेनोवेट किया है, अपनी दुकानों को सजाया है ताकि यहाँ से सयाह आए, यहाँ से लोग आए, पैसेंजर्स जिनको शोपियान से पुंछ आना होता है या पुंछ से श्रीनगर जाना होता है, तो उनके लिए उन्होंने इंतजाम रखे हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी यही डिमांड पहले से रही है कि मुगल रोड को खोल दिया जाए। जहाँ तक बात की जाए मुगल रोड टनल की, उस पर भी जो अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो होनी बाकी है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से कि मुगल रोड की टनल पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि उसको ऑल वेदर रूट बनाया जा सके। मिलते हैं हमारी ऐसी और एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आबिद रशीद के साथ मैं शाहिन कोई मलिक, कश्मीर प्रिज्म।